सो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। तो एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन चल रही है, तो आप लोग भी अगर कॉन्फ्यूजन के अंदर हो कि 20,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फ़ोन कौन सा है, रियलमी 9SE या फिर iQOO Z5, सो दोनों फ़ोन के अंदर कौन सा फ़ोन आप लोग को परचेस करना चाहिए। सो यार ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई अगर 20,000 के अंदर कोई गेमिंग फोन परचेस करना चाहते हो। तो गाइज आज हम इस वीडियो में करने वाले दोनों फोन के अंदर कंपैरिजन, और गाइज बताएंगे कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेटर होने वाला है, कौन सा फोन में ज्यादा अच्छा बैटरी देखने को मिलता है, कौन सा फोन में लिक्विड कूलिंग ज्यादा मिलता है, कौन सा फोन ज्यादा हीट होता है गेमिंग के साथ। गाइज आप अगर डे टू डे टास्क भी करना चाहते हो और डे टू डे यूज भी करना चाहते हो तो भी गाइज आप लोग को कौन सा फोन लेना चाहिए दोनों के अंदर। सो वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे, एकदम खुल के बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर इसी टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो देखना नहीं होगा, ये दोनों फ़ोन के बारे में एकदम डिटेल्स बताने वाले हैं और गाइज लास्ट में बताएंगे कौन सा फ़ोन बेटर होगा। सो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप देख रहे हो एलेक्स गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज चैनल में अगर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो का लाइक हम रखते हैं 40 लाइक्स, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, सो ज़्यादा एम नहीं रखा है। और गाइज कॉमेंट कर देना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और कोई भी चीज़ मैंने अगर गलत बताया तो भी गाइज आप लोग कॉमेंट जरूर कर देना। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कॉन्फिडेंस होने के पहले गुड न्यूज़ था गाइज, चैनल पे हम लोग अपना चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइज बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को, आप लोग अगर साथ में नहीं रहते सपोर्ट नहीं करते गाइज हम इसी पॉइंट पे कभी पहुंच नहीं पाते। सो यार दिल थैंक यू, और गाइज सपोर्ट करते जाओ, हम अपना कॉन्टेंट पर इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे गाइज डे टू डे। सो यार सपोर्ट करते जाओ ऐसे, और लाइक भी कर देना अगर अच्छे लगे वीडियो तो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, और कुछ भी अगर गलत लगे तो यार कॉमेंट कर सकते हो। सो गाइस अभी आते हैं हम लोग अपना वीडियो के पॉइंट पे। सो गाइस हम लोग बात करने वाले रियलमी 9SE और iQOO Z5 के बारे में, दोनों का कंपैरिजन होने वाला था। सो गाइस दोनों फ़ोन में सबसे पहले गाइस हम लोग पता करेंगे कौन सा फ़ोन में क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है, उसके बाद गाइस साइड बाई साइड कंपैरिजन लोग करेंगे और गाइस बताएंगे कौन सा डिवाइस बेटर होगा आप लोगों के लिए। सो गाइस हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले का। तो गाइस दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को डिस्प्ले जो LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जो रियलमी 9SE है इसका और iQOO Z5 का डिस्प्ले का साइज़ बिल्कुल सेम ही है, कोई उतना अंतर। तो गाइस साइज़ के मामले से हम लोग को दोनों फ़ोन सेम एक्सपीरियंस हम लोग को देने वाला है डिस्प्ले के साइज़ के मामले से। और गाइस अभी हम अगर बात करें फ़ोन का डिज़ाइन, तो गाइस डिज़ाइन में थोड़ा सा रियलमी 9SE आगे रहता है, क्योंकि रियलमी 9SE का जो डिज़ाइन है वो कुछ न्यूज लगता है, और गाइस जो उसका व्हाइट के साथ पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा ग्लोसी जो लुक देता है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को वो कलर। और उसके साथ जो हमारा iQOO Z5 है उसका जो कलर हम लोग को देखने को मिल जाता है वो, और मॉडल है थोड़ा सा ओल्ड फैशन मॉडल है, तो गाइस हर एक बंदे का अलग चॉइस होता है, तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। आप लोग कॉमेंट में बताना कि कौन सा मोबाइल का लुक आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइज अभी बात करते हैं बैटरी का। तो गाइज दोनों फ़ोन में हम लोग को 5000 मिली एम्पर का बैटरी देखने को मिल जाता है, और गाइज अगर बात करें डे टू डे यूज़ पे तो गाइज लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप आप लोग को दोनों फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर गेम खेलते हो तो गाइज रियलमी 9SE का बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को बैकअप दे देगा, मतलब सोचो कि 6 घंटे अगर iQOO Z3 में दिया, अगर Z5 में कर दिया गेम खेलने का नहीं भी, तो गाइज रियलमी 9SE में आप लोगों को थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा आप लोग को दे देगा। लेकिन गाइज अलग जो अंतर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है चार्जिंग पे, तो गाइज चार्जिंग हम लोग को देखने को मिलता है रियलमी 9SE में 33 वाट का चार्जर, जो कि फ़ोन को पूरा चार्ज होने में 1 घंटा 10 मिनट जैसा लग जाता है, फिर 1 घंटा आप लोग बोल सकते हो लग जाता है लगभग। लेकिन गाइज हम लोग को 55 वाट का चार्जर देखने को मिलता है iQOO Z5 में, जो कि गाइज आप लोग को 40 मिनट के अंदर फ़ोन को फुल चार्ज करा देता है, 35 मिनट फिर 40 मिनट के अंदर। सो गाइज यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग टाइम पे एडवांटेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो गाइज 15-20 मिनट के अंदर आप लोगों को 50% चार्ज फोन में लगभग हो जाएगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में दोनों फ़ोन सही, लेकिन चार्जिंग के मामले में iQOO Z3 आगे रहता है। तो 2 राउंड हमने खत्म कर लिया, तो गाइस एक राउंड का विनर हम लोग को देखने को मिल जाता है iQOO Z3, और गाइस एक राउंड का डिज़ाइन के मामले में हम लोग को दोनों सेम देखने को मिल जाता है, तो जिसका चॉइस है डिज़ाइन। और गाइस राउंड 3 में हम लोग देखेंगे हम लोग को कौन सा फ़ोन में ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस ये पे गाइस हम लोग को रियलमी 9SE और iQOO Z5 दोनों में ही स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर बात करें प्रोसेसर का, तो ये गाइस आप लोग को स्नैपड्रैगन 860 जैसा एंटू बेंच पर स्कोर दे देता है, और थ्रॉटलिंग और हिगमेंच के स्कोर में भी बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, कुछ मामले में 860 के बराबरी होता है। और गाइस GPU के मामले में थोड़ा सा आप लोग को कम देखने को मिल जाता है, और गाइस दोनों फोन का GPU भी CPU अगर सेम होगा तो GPU भी सेम ही होगा, आप लोग को GPU देखने को मिल जाता है। यहाँ एड रन होगा 642L का GPU दोनों ही फोन में। यहाँ पे गाइज ये राउंड टाई हो जाता है अगर हम प्रोसेसर की फिर GPU की बात करें, सो पे प्रोसेसर काफ़ी अच्छे, कोई अगर बात करें तो हाँ 778 खराब प्रोसेसर है नहीं गाइज,
या पे काफ़ी मामले में ऐसे भी होता है कि गाइज आप लोगों ने देखा होगा स्नैपड्रैगन 7 सीरीज से अच्छा प्रोसेसर 7 जो 30 है उससे अच्छा 695 प्रोसेसर निकल के आ चुका है। तो ये प्रोसेसर का नंबर देख के हम लोग कुछ पता नहीं कर सकते। सो यहाँ पे राउंड टाई हो जाता है। सो गाइज चौथे नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे फ़ोन का स्टोरेज टाइप के बारे में। सो गाइज यहाँ पे हम लोग को IQ Z5 में देखने को मिल जाता है LPDDR5 रैम के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। और गाइज दूसरी साइड हम लोग को Realme 9 AC में देखने को मिल जाता है LPDDR4X रैम के साथ UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप। तो यहाँ पे गाइज हम लोग को IQ Z5 में स्टोरेज टाइप और गाइज जो है रैम का स्पीड आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और IQ Z5 में आप लोग को 4GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे आप लोग को Realme 9 AC में 3GB का एक्सपेंसिव रैम सपोर्ट आप लोग को देखने को मिल जाता है। एक्सटेंड करके आप लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हो रैम को। सो गाइज वर्चुअल रैम को जो हम लोग बोलते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर कौन सा फ़ोन ज़्यादा फास्ट होगा तो गाइज यहाँ पे हम लोग को IQ Z5 रैम के मामले में ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। और गाइज आप लोग अगर ऐसे बोलते हो कि ये स्टोरेज वगैरह लेकर कोई भी कुछ नहीं होता है LPDDR3X 4X 5X से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग अगर रिसेंट से कोई एप्लीकेशन को ऑन करके मतलब VGA को खेल के फिर से ऑफ करके अपन फिर से ऑन करते हो तो यहाँ पे गाइज ये चीज़ का जो काम है बहुत बढ़ जाता है। और गाइज आप 6GB रैम का वेरियंट लेते हो Realme 9 AC में तो गाइज ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। गाइज वहाँ पर आप लोगों को फ़ोन जो है मतलब रिसेंट से एप्लीकेशन को आप लोग को ऑन नहीं कर पाएगा। सो गाइज ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग का भरोसा नहीं होता तो गाइज आप लोग खुद जाके फ़ोन को परचेस करने के बाद देखना, मैंने खुद यूज़ किया मुझे बताएं ये प्रॉब्लम जो है IQ Z5 में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज आपका गेमिंग जो एक्सपीरियंस होगा रैम लगभग ज़्यादा ही फिर गाइज आप लोग बोल सकते हैं स्टोरेज टाइप थोड़ा फास्ट है। तो गाइज आप लोग को डे टू डे यूज़ में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस IQ Z5 है वो देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें कैमरा का तो इस दोनों में आप लोग को एवरेज कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएगा। और IQ 9 AC का जो फ्रंट कैमरा है उतना ज़्यादा खास नहीं यार, मेरे को खास नहीं लगा। 16MP का कैमरा आप लोग को देखने को मिल जाएगा लेकिन उसके हिसाब से उतना खास नहीं है कैमरा। तो इस कैमरे के मामले में दोनों डिवाइस अगर लेना चाहते हो कोई डिवाइस को तो दोनों ही आप लोग को उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इसमें बात करते तो वीडियो खत्म होने ही वाला है, तो हमें बात करते हैं कि कौन सा फोन आप लोग को लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे गाइस 5 पॉइंट हम लोगों ने वीडियो में कवर किया। और गाइस जो कवर करने के बाद हम लोग को जो पॉइंट मिला 3 पॉइंट पे हमारा जो IQ Z5 है थोड़ा सा आगे है। और गाइज जो 2 पॉइंट है उसमें Realme 9 AC आगे है। तो गाइज यहाँ पे गाइज बात करते हैं 1 पॉइंट पे टाई हो चुका है। तो गाइज उस पॉइंट को बात देते हैं प्रोसेसर का, उस पॉइंट को हम बात कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो पॉइंट है 2 पॉइंट पे आगे IQ Z5 और गाइज 1 पॉइंट पे आगे Realme 9 AC। और जो 1 पॉइंट है टाई हो चुका है और कलर के मामले में और डिज़ाइन के मामले में आपको जो होना चाहिए लगता है वो आप लोग ले सकते हो। और दोनों फोन में क्या प्रोटेक्शन लगा हुआ वो भी नहीं बताया कि IQ Z5 में आप लोगों को कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस 9 AC में क्या प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है वो बताया, लेकिन ग्लास मैंने खेल के देखा उतना स्मूथ नहीं है। उससे अच्छा तो IQ Z5 का जो है स्क्रीन थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है। तो गाइस इससे पता चलता है कि अच्छा खासा ग्लास जो है IQ Z5 में लगा हुआ है। तो ग्लास उतना मैटर नहीं करता, आप कोई भी ग्लास वगैरह लगा के फ़ोन को प्रोटेक्शन दे सकते हो। फिर गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्लास वगैरह नहीं लगाते, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ग्लास भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फोन अगर गिर जाता है तो गाइस अगर कॉर्निंग ग्लास का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता तो फोन ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा। तो गाइस IPS LCD स्क्रीन जो है उतना टूटने का तो कॉर्निंग ग्लास अगर फोन में रहता है तो गाइस उतना डर नहीं लगता, मतलब रहता नहीं कि टूटने का फोन टूट जाएगा ये होगा। तो इसके लिए गाइस आप लोग को अगर Realme 9 AC अगर परचेस करते हो तो गाइस ग्लास आप लोग प्रोटेक्शन ज़रूर लगा के रखना। और जब हम लोग बात करते हैं फोन को कौन सा फोन को परचेस करना चाहिए तो गाइस पॉइंट के मामले में हम लोग अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे IQ Z5 थोड़ा सा आगे, लेकिन जैसे प्राइस ये हुए इस फोन से थोड़ा सा लगभग ज़्यादा देखने को मिल जाता है 2-3 हज़ार का। और उसके साथ गाइस आप लोग को डिस्काउंट वगैरह लगा के आप लोग कूपन वगैरह लगा के अमेज़न से आप लोग फोन को परचेस कर सकते हो 21,000 में। तो गाइस यहाँ पे गाइस आप लोग को IQ Z5 1,000 एक्स्ट्रा देकर IQ Z5 आप लोग को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा फास्ट स्टोरेज देखने को मिलता है। रैम में आप लोगों को जो रिसेंट टक्स वगैरह आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, आप अगर फोन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी गाइस आप लोग को यहाँ पे IQ Z5 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और गाइस आप लोग कॉमेंट पे ज़रूर बताना आप लोग को कौन सा फ़ोन लेना है, फिर आप दोनों के अंदर कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो। उससे पे गाइस ये कंपैरिजन बहुत सारे मैंने बोला था IQ Z5 ले Realme 9 AC ले 20,000 के अंदर कौन सा फ़ोन आप लोग को परचेस करना चाहिए, तो ये दोनों फ़ोन के अंदर आप लोग को IQ Z5 ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, तो ये फ़ोन आप लोग परचेस कर सकते हो। तो मैंने Realme 9 AC को परचेस किया था गलती से, मैंने उसको भेज भी दिया, मतलब मेरे को और भी हाई एंड डिवाइस मिल गया हाँ थोड़ा सा लो प्राइस में, इसलिए मैंने Xiaomi जो MI 11X Pro है उसको परचेस कर लिया। मैंने वो नहीं बता रहा कि फ़ोन बेकार है, फ़ोन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बजट अगर 1,000 दे दो ज़्यादा 2,000 ज़्यादा दे दो तो IQ Z5 बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है। Realme 9 AC से तो अच्छा है।
ठीक है, तो ये लोग परचेस कर सकते हो। तो मैंने खुद यूज़ किया रियलमी 9 SE इसीलिए, और Z5 को भी यूज़ किया इसीलिए। गाइस आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि क्या कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है। तो चलिए यार, बहुत कुछ बोल लिया, तो आज का वीडियो देखकर एंड करते हैं। मिलती भी ज़्यादा कोई बढ़िया सा कॉन्टेंट के साथ। चलो सपोर्ट करना, और गाइस 1K हो गया, 2K भी जल्दी कंप्लीट कर देना। अभी मैं सब्सक्राइबर भी काउंट जो होता है वो भी स्क्रीन पर शो कर दिया, आप लोगों को हेल्प होगा देखने में। और गाइस थोड़ा सा बढ़ा देना सब्सक्राइब, घटा मत लेना यार, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। कोई नहीं यार, सपोर्ट ज़रूर करना चैनल को, आपको गाइस बहुत आगे जाएगा, और ऐसे ही कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो यार चलो, मिलते भी ज़्यादा कोई बढ़िया सा कंटेंट के साथ। सब लोग अच्छे से रहना, टाटा। तो तुम्हारा भाई का एल लग गया, तो वीडियो भी खत्म, टाटा, बाय बाय।